फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिटी स्लिकर्स, रिटन बाय शांता आचार्य। शांता आचार्य एक इंडियन ओरिजिन पोइट है। इनकी एक पोएम श्रृंगारा मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहे तो उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज हम डिस्कस करने वाले सिटी स्लिकर्स, ये एक थॉट प्रोवोकिंग पोएम है। इसमें की जो थीम्स है वो है अर्बन लाइफ, जेंडर डायनामिक्स एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। पहले तो इस टाइटल का मीनिंग समझ लेते हैं। सिटी मतलब शहर, स्लिकर्स मतलब अस्लाय और अनवर्दी पर्सन, मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि धोखेबाज इंसान, तो शहर के धोखेबाज। तो इस पोएम में पोएट ने क्या कहा है, व्हाई द टाइटल इज गिवन सो, वो हम पोएम को जब लाइन 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 बाय लाइन स्टडी करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। सो लेट्स बिगिन। हेलमेटेड मसलमैन ग्लाइडिंग ऑन स्टील एस्केलेटर्स इन द सिटी बॉम्ब प्रूफ बिल्डिंग्स अगेंस्ट टेररिस्ट्स। अब शुरुआत में ही हेलमेटेड मसल मैन यूज किया गया। हेलमेटेड मतलब द वन हु वियर्स हेलमेट, हेलमेट पहनने वाले आदमी। उन्हें मसल मैन इसलिए कहा गया है बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग इन द सेंस दे आर वेरी गुड एट देयर वर्क एंड दे आर डोमिनेटिंग। ग्लाइडिंग ऑन स्टील एस्केलेटर्स, ये ग्लाइड कर रहे हैं मतलब ऊपर नीचे करते हैं स्टील एस्केलेटर से। जैसे कि आपने मॉल्स में देखे होंगे एस्केलेटर्स होते हैं, तो स्टील के एस्केलेटर्स लगे हैं जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, तो उन पर से ये लोग ग्लाइड करते हैं। इन द सिटी बॉम्ब प्रूफ बिल्डिंग्स, ऐसे सिटी में जहाँ पर बिल्डिंग्स कैसी है, बॉम्ब प्रूफ है, मतलब टेररिस्ट अटैक ना कर सके, इस तरीके से वो बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई है, वहां पर ये मसल मैन जो है वो ऊपर नीचे करते हैं एस्केलेटर से। अब ये मसल मैन जो ये सिंबलाइज करता है स्टीरियोटिपिकल पावरफुल कारपोरेट मैन हु डोमिनेट द सिटीस्केप, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है कारपोरेट वर्ल्ड, ये सबसे डोमिनेटिंग फील्ड हम कह सकते हैं। और वहां पर के आदमी जो है वो दे आर स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे आर एबल टू डोमिनेट द सिटी। देन यहाँ पर जो बोला गया है कि बॉम्ब प्रूफ है बिल्डिंग्स अगेंस्ट टेररिस्ट, तो इट शोज स्क्रूटिनी एंड स्ट्रेंथ आर एम्फसिस्ड, कि कितना ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया गया है स्ट्रेंथ को। स्पेस वॉकिंग ऑन ह्यूज वॉल्स ऑफ अ ग्लास दे एग्जामिन मी एज दे वुड एनी अदर लास्ट, लास्ट का मतलब होता है वुमन। और स्पेस वॉकिंग ऑन ह्यूज वॉल्स ऑफ ग्लास, स्पेस वॉकिंग कर रहे हैं, ग्लास की जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं उस पर से मानो ये चल रहे हैं जैसे कि वो स्पेस वॉकिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर स्पेस वॉकिंग जो है वो सजेस्ट करता है डिटैचमेंट, ओके, नॉट अटैच टू द सर्फेस। तो ये जो लोग जो है कारपोरेट दुनिया में के, ये जब ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो कंप्लीटली डिटैच है उस एटमोसफियर से, एंड दे एग्जामिन और वो ऑब्जर्व करते हैं, सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड स्क्रूटिनी, मतलब वो क्या करते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं किस तरीके से बारीक नजर से किसको, किसी भी औरत को जो भी उनके सामने आती है। और यहाँ पर दे एग्जामिन मी, मतलब पोइट अपनी बात कर रही है कि उसे भी वो उसी तरीके से एग्जामिन करते हैं। स्माइलिंग दे टेक अ रैंडम वॉक अनअफ्रेड ऑफ अ वर्टिगो, वो स्माइल करते हैं और जैसे रैंडम वॉक कर रहे हैं वैसे चले जाते हैं, अनअफ्रेड ऑफ अ वर्टिगो। वर्टिगो का मतलब एक तरीके का डिसीज है जिसमें यू फील डिजी और ये आपको चक्कर आए जैसे लगता है, तो अनअफ्रेड ऑफ अ वर्टिगो। इनको डिजीनेस नहीं फील होता ना तो वो डरते, अब उन्हें क्यों डिजीनेस फील होगा वो हम नेक्स्ट लाइन में समझते हैं। लाइक द स्टॉक मार्केट इंडेक्स रेयरिंग टू गो, रेयरिंग टू गो इसका मतलब होता है टू बी वेरी ईगर टू बिगिन समथिंग। द स्टॉक मार्केट का इंडेक्स मतलब स्टॉक मार्केट जब ओपन होता है उसमें जो उछाल आता है, जो डाउन आता है, तो ये जो फ्लक्चुएट होते रहता है स्टॉक मार्केट, उस फ्लक्चुएशन उन फ्लक्चुएशन से ये कारपोरेट दुनिया के आदमी जो है वो डरते नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज अनअफ्रेड ऑफ अ वर्टिगो। Who said men seldom make passes at women with glasses? किसने कहा है कि आदमी जो है वो जो औरतें ग्लासेस पहनती हैं उनकी तरफ नहीं देखते हैं या रेयरली ही देखते हैं, सेल्डम मतलब रेयरली। रियल मैन डू पर्टिकुलरली एट वीमेन इन सिटी ऑफिसेस, लेकिन ये रियल मैन मतलब ऐसे जो कारपोरेट दुनिया में के जो आदमी होते हैं उन्हें रियल मैन कहा गया है, वो करते हैं ऐसा पर्टिकुलरली ऐसी औरतों की तरफ जो ऑफिसेस में काम करते हैं, सिटी ऑफिसेस में। क्यूबिकल्स नाउ शैटर प्रूफ होल्ड फ्रेजाइल ईगोज, क्यूबिकल्स आप पिक्चर में देख सकते हो, तो ये क्यूबिकल्स जो है नाउ शैटर प्रूफ, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है, होल्ड फ्रेजाइल ईगोज, इतने स्ट्रांग है वो क्यूबिकल्स जैसे बने हुए है, होल्ड फ्रेजाइल ईगोज, इन दीवारों के पीछे क्या फ्रेजाइल मतलब वीक ईगोज को, अहंकार को इन्होंने छुपा के रखा है, मतलब शैटर नहीं होता है उनका ईगो उन क्यूबिकल्स के बीच में, टूटता नहीं है। मेन इन डार्क ग्रे सूट्स शफल इन कारपोरेट शूज,
अभी जो आदमी है ये डार्क ग्रे कलर के सूट पहनकर, इनके महंगे महंगे चमकते जूते होते हैं, कारपोरेट शूज जो कि ऑफिस में पहने जाते हैं, और उसमें वो शफल करते हैं, मूव करते हैं इधर से उधर. पिन स्ट्राइप सूट्स कम एंड गो टॉकिंग ऑफ अ पीई रेशियो. पीई रेशियो, नाउ दिस इज रिलेटेड विद सम स्टॉक मार्केट्स, इट्स अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद स्टॉक मार्केट. तो वो सूट्स पहनते हैं, पिन स्ट्राइप सूट्स होते हैं जिसमें वो आते जाते रहते हैं, और पीई रेशियो के बारे में वो बात करते हैं. टॉप डाउन बॉटम अप मेथड्स ऑफ द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. इंटेल एक समझदार जो इन्वेस्टर होता है, जो कि स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाता है, तो वो जब बात करता है तो उस तरीके से लोग बात करते हैं, मतलब टॉप डाउन, ऊपर गया नीचे आया, लाइक दिस. एज आई मेंट द रूल्स ऑफ द ओल्ड बॉयज नेटवर्क, क्योंकि पोएट उस ऑफिस में काम करती है तो बोल रही है कि एज आई मेंट द रूल्स ऑफ द ओल्ड बॉयज नेटवर्क. मेंट मतलब सुधारना, जब मैं सुधारती हूँ नियम उन पुराने लड़कों के, जो वो जो वहां पर काम कर रहे हैं उनके नेटवर्क में मैं जब सुधार करती हूँ उसके नियमों में. एंड डिमांड माई शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ माई वर्क. और क्योंकि पोएट ने जो सुधार किया है उसकी वजह से जो प्रॉफिट हुआ है उसके लिए जब वो डिमांड करती है उस फायदे के लिए, आई हिट द इनविजिबल ग्लास सीलिंग ईच टाइम. तो ऐसा लगता है जैसे मानो पोएट ने एक इनविजिबल ग्लास को, अदृश्य कांच को जो है वो जिसका सीलिंग है उसको मान लो उन्होंने टक्कर दी हो. हर बार उन्हें ये फील होता है जब भी वो अपना शेयर मांगती है, प्रॉफिट मांगती है. आई स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ एज इफ दैट वॉज अ क्राइम. मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप के लिए खड़े होना जैसे कि मैंने कोई गुनाह कर दिया हो. ये लाइन बताती है दैट देयर इज अ परसिस्टेंट जेंडर इनइक्वालिटी, कि ऑफिस में जो वो औरत और आदमियों के बीच में जो वो भेदभाव किया जाता है. अ सिंगल इंडियन फीमेल, आई एम ट्रैप्ड अलास इन ए केज ऑफ बॉम्ब प्रूफ शटर प्रूफ ग्लास. अब अ सिंगल इंडियन फीमेल, अब पोएट अपने आप को कह रही है कि मैं अकेली भारतीय महिला जो है, आई एम ट्रैप्ड, अपने आप को बंद महसूस करती हूँ, अलास इन केज ऑफ बॉम्ब प्रूफ शैटर प्रूफ ग्लास, उस बिल्डिंग में जो कि केज की तरह है जिसमें तो कोई बॉम्ब तो नहीं गिरेगा बिकॉज इट्स ए बॉम्ब प्रूफ, लेकिन शैटर प्रूफ भी है, इसके ग्लासेस ऐसे कि टूटेगे नहीं, उसमें मैं अपने आप को कैद पाती हूँ. सिम्बोलाइजिंग द बैरियर शी फेसेस इन द कारपोरेट वर्ल्ड. कारपोरेट वर्ल्ड में क्या होता है औरतों के साथ में, वो इस पोएम में हमें पोएट बता रही है. The Jurassic laws in the city continue to spawn. To spawn का मतलब होता है to appear unexpectedly or seemingly out of nowhere. अचानक से कुछ सामने आ जाना. The Jurassic laws in the city continue to spawn. अब ये Jurassic laws का मतलब ये है कि symbolizing outdated and oppressive systems. Okay, जो पुराने हो चुके हैं ऐसे rules and regulations. तो ये जो Jurassic law, ये जो Jurassic laws है, ये actually शहर में इनके offices में अचानक से आते ही रहते हैं, ये कंटिन्यू होता है सिस्टम. मतलब दुनिया इतनी आगे बढ़ गई, हम इतना ज़्यादा अभी मॉडर्न रहते हैं, वेस्टर्न कल्चर को हमने इतना अपना लिया, बट स्टिल देर इज नो इक्वालिटी इन मेन एंड वुमेन. डायनासोर्स दैट इवन स्पेलबर्ग कैन नॉट इम्प्रूव अपॉन. अब यहाँ स्पेलबर्ग एक्चुअली उस बंदे का भी नाम है, द वन हु मेड सच मूवीज रिगार्डिंग द डायनासोर्स. तो बोलते हैं कि ये जो कंडीशन है दैट डायनासोर्स टू स्पॉन डायनासोर्स दैट इवन स्पेलबर्ग कैन नॉट इम्प्रूव ऑन. तो ये जो सिचुएशन है डायनासोर्स के अचानक से आने की इन द फॉर्म ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, इस पर स्पेलबर्ग भी कुछ नहीं कर सकता इस सिचुएशन को सुधारने के लिए. नेक्स्ट टाइम दिस हेलमेटेड मसल मैन ब्लो मी अ किस. जब हम वेन वी ब्लो अ किस, तो जब ये हेलमेटेड मसल मैन कारपोरेट दुनिया में कि लोग जब इस लेडी की तरफ, इस पोइट की तरफ अगली बार जब किस ब्लो करेंगे, I will signal to them to rescue a woman in distress. तो मैं उन्हें इशारा करूंगी that you have to rescue, कि तुम्हें free करना है एक ऐसी औरत को जो distress में है, जो परेशानी में है. तो ये थी poem City Slickers. अगर आपको explanation अच्छा लगा हो तो don't forget to subscribe to the channel, hit the like button and share the video.